गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एम एस अली फ्रॉम सारण बिहार एंड आप देख रहे हो मेरे क्लिनिक क्लासेस। आज मैं फिर से ले आया हूं आपके लिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट, एक ऐसा कंफ्यूजिंग पॉइंट जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाओगे, आपके अंदर खलबली मच जाएगी और आप फ्लैट हो जाओगे अंदर ही अंदर कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, सचमुच में ऐसा भी होता है क्या? बेशक ऐसा होता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना कि आपके अंदर जो खलबली मचने वाली है वो क्यों मचने वाली है, आपके अंदर जो आश्चर्यचकित होने वाली भावना जो उत्पन्न होने वाली है वो क्यों होने वाली है, ये तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल ए, एन और द को कहते हैं। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और टी एच ई को यानी द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन किसी भी नाउन से पहले आकर के उस नाउन को अनिश्चित बनाने का कार्य करते हैं, जबकि टी एच ई किसी भी नाउन से पहले आकर के उस नाउन को निश्चित बनाने का कार्य करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा लेसन है, उसमें हम ए, एन और द इन तीनों का प्रयोग करेंगे और इन तीनों का प्रयोग करने से वो निश्चित अनिश्चित नहीं बनेंगे बल्कि उनके अर्थ में काफ़ी भिन्नता आ जाएगी, उनके अर्थ में काफ़ी चेंजेज आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि ए मीन्स एक, एन मीन्स एक और टी एच ई द का प्रयोग नाउन को निश्चित करने में आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने किताबों में पढ़ा है, जो आपने बुक्स में पढ़ रखा है, आज की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ए का मतलब एक नहीं मिलने वाला, आपको एन का मतलब एक नहीं मिलने वाला और आपको टी एच ई का प्रयोग जब करोगे ना तो वहाँ पर उससे निश्चित का बोध नहीं होने वाला है बल्कि बिल्कुल अलग अर्थ बदल देगा वो। तो देखते हैं आज की वीडियो। आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ एक सेंटेंस, यू आर एस सचिन तेंदुलकर, यू आर एस सचिन तेंदुलकर। अगर मैं कहूँ कि यू आर एस सचिन तेंदुलकर तो आप इसकी हिंदी निकालोगे कि तुम एक सचिन तेंदुलकर हो या तुम लोग सॉरी या फिर आप एक सचिन तेंदुलकर हो। यू आर अ सचिन तेंदुलकर का मतलब आप निकालोगे तुम एक सचिन तेंदुलकर हो या आप एक सचिन तेंदुलकर हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ए का मतलब एक नहीं होने वाला, यहाँ पर एन का मतलब एक नहीं होने वाला और यहाँ पर टी एच ई निश्चित बनाने के लिए नहीं आया है। तो किस लिए आया है? इंतज़ार की घड़ी समाप्त करके अब मैं बताता हूँ कि आखिर इनके मतलब यहाँ पर क्या क्या होने वाले हैं। जैसे कि यू आर एस सचिन तेंदुलकर, इसका मतलब है कि तुम सचिन तेंदुलकर नहीं हो बल्कि तुम्हारे अंदर सचिन तेंदुलकर जैसी खेलने की गुण है, तुम्हारे अंदर सचिन तेंदुलकर के जैसे खेलने का मेथड है, यानी तुम्हारे जो खेलने के तरीके हैं ना वो सचिन तेंदुलकर के जैसा है, ऐसा बोध कराएगा ये ए। यानी किसी व्यक्ति में जैसा गुण है, जैसी क्वालिटी है, जैसी मेरिट है, ये ए एन द आकर ये बताते हैं कि तुम्हारी भी मेरिट, तुम्हारे भी गुण, तुम्हारी भी फीचर उन्हीं लोगों की जैसी है, यानी उन्हीं के जैसी है। जैसे कि अगर आपको कहना हो, अगर कोई लड़का बहुत ही अच्छा, अगर कोई लड़का युवराज सिंह के जैसा खेलता हो सपोज डेट, तो आप कह सकते हो यू आर ए युवराज सिंह। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो युवराज सिंह है बल्कि इसका मतलब ये होगा कि वो युवराज सिंह के जैसा खेलता है, यानी युवराज सिंह के अंदर खेलने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, जो एक टैलेंट है ना, जो एक शैली है, वो चीज़ उसके अंदर भी है। अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हो तो आप ए का इस्तेमाल करोगे। अब हम दूसरे वाले सेंटेंस की बात करते हैं। अरमान इज़ एन उदित नारायण, यहाँ पर उदित का यू वॉवेल था इसलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरमान एक उदित नारायण है, अरमान उदित नारायण नहीं है बल्कि अरमान उदित नारायण के जैसा गाता है। अरमान की आवाज़ हो सकता है उदित नारायण से मिलती हो सकता है उनकी हरकतें मिलती हो, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से, जिस मेथड से वो गाया करते हैं उसी तरीके से, उसी स्टाइल से और हूबहू कुछ वैसा ही मिमिक्री करके वो भी गाता हो, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अरमान इज़ एन उदित नारायण। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि अरमान उदित नारायण है बल्कि यहाँ पर मतलब ये है कि अरमान के अंदर का जो गुण है, अरमान के अंदर की जो मेरिट है, अरमान के अंदर की जो एबिलिटी है वो उदित नारायण जी के जैसी है। अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। पलक इज़ द लता मंगेशकर, अब इसका मतलब ये नहीं कि पलक लता मंगेशकर है, यानी पलक किसी लड़की का नाम को मैंने लिखा है, पलक इज़ द लता मंगेशकर का मतलब ये नहीं है कि पलक लता मंगेशकर है बल्कि पलक के अंदर लता मंगेशकर के जैसी क्वालिटी है, लता मंगेशकर के जैसी मेरिट है, लता मंगेशकर के जैसा मेथड है गाने का, है ना। हो सकता है कि उनकी आवाज़ को मिमिक्री भी कर लेती हो या उनकी आवाज़ निकाल लिया करती हो, उनकी जो हरकतें हैं गाने की वो अपने, है ना, अपने आप में ये कर लेती हो, इसलिए कहा गया है कि पलक इज द लता मंगेशकर। तो कभी भी
प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का इस्तेमाल तो नहीं होता है। वैसे आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी जो व्यक्तियों के खास नाम है, जगहों के खास नाम है, दिनों के खास नाम है, यानी जो भी खास नाम है उनसे पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं ना, द का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ये ग्रामर कहता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी कहता है ग्रामर कि अगर आप ए एन और द का प्रयोग कर देते हो प्रॉपर नाउन से पहले, तो वहाँ पर ए एन का हिंदी अर्थ एक नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर ए एन का हिंदी अर्थ है ना, जिस व्यक्ति से पहले, जिस चीज़ से पहले, जिस जगह से पहले, जिस वस्तु से पहले ए एन आएगा, वो उसी के गुण का बोध कराएगा, यानी उसी के जैसा गुण, उसी के जैसा मेरिट का बोध कराएगा। ओके, तो आज के बाद आप ऐसे सेंटेंसेस में ये नहीं सोचोगे कि भाई ए एन द का प्रयोग गलत है, आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ए एन द का मतलब यहाँ पर एक है, ऐसा नहीं सोचोगे, बल्कि आप सोचोगे कि ए एन द किसी के गुण की तुलना कर रहा है, यानी किसी के गुण के जैसा होने का बोध करा रहा है कि उसके अंदर भी ऐसा ही गुण है, उसके अंदर भी ऐसी ही मेरिट है। तो इस तरीके से ए एन और द का भी इस्तेमाल होता है। थाना कमाल का प्रयोग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और क्या आपने पहले ऐसी वीडियो देखी थी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और क्या आपको इस वीडियो को देखने के बाद सचमुच आपके अंदर खलबली मची या नहीं, एक्साइटमेंट मची या नहीं, आश्चर्यचकित होने की भावना जगी या नहीं, ये सारी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए आप ये भी बताना, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा और आपके कमेंट पूरे करने की कोशिश भी करूंगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने 5 दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर देना, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो, कम से कम 5 बार ज़रूर शेयर कर देना, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है। और अगर पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।